हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, और घर के जो भी काम वगैरह थे मैंने कर लिए हैं। पता है, जो हमने फसल की मिसाई की, अब उसका लास्ट लास्ट कहा जाए प्रोसीजर चल रहा है, मतलब उड़ाने का। तो हम उसे जो पंखे में उड़ाएंगे और जो ताने हैं उसे अलग करेंगे। तो देखिए इधर, ये इतना सारा है, इसको हमें 1-2 दिन में उड़ाना पड़ेगा। मैंने दिखा दिया आप लोगों को, और यही काम करेंगे। और जितने यूट्यूब फ्रेंड हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पता है, मैंने सुबह बनाया है भात का बड़ी भात, मतलब चावल का जो भात बनाते हैं वो बचा हुआ बासी था, उसी का मैंने बड़ी बनाया है। वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और कल आया था हमारे यहाँ ठाकुर बाबा, दिखेंगे तो ठाकुर बाबा भी देख लीजिए। पता है, हम लोग के इधर ना आसपास के एरिया में एक ठाकुर बाबा रहता है, मतलब तो आप वीडियो देखेंगे तब जानेंगे ना, तो पूरा वीडियो देखिए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो की स्किप ना करें, थैंक यू। चलिए मिलते हैं, और मैं आप लोग को अपना पंखा भी दिखा देती हूँ जिसमें उड़ाएंगे। तो ये है हमारा पंखा, इसी में जो है अभी हमें उड़ाना है। इससे पहले ना मुझे ये खनिहाल जो है ना इतना, तो इसे अभी पुताई करनी है बस। तो मिलते हैं, चलिए पहले मैं पुताई करती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद। फिर ना जब भूसी रहेगा ना, उसे हम ऐसे स्टॉक करके रख लेते हैं, और फिर जो जितने हमारे मवेशी हैं ना उसी को खिलाते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये कल का ना बचा हुआ खाना है, चावल मतलब, तो इसे हम लोग ना भून करके भी खाते हैं। मुझे तो ऐसे ही खा लेती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन आज मैं इसे बड़ी बना देने वाली हूँ। इसके लिए मैंने रखा है नमक, और ये मीठा सोडा है, और ये है लाल मिर्ची, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है अजवाइन और जीरा, और लिया है तिली और लाल भाजी, और ये भात है। और इन सब चीज़ों को ना मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, और फिर ये जो भात है ना, इसको पका हुआ चावल, हम लोग भात ही बोलते हैं इसलिए मैं भात ही बोल रही हूँ, तो उसे ना मैं दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ इस तरह से। और फिर जितने भी चीज़ में रखी हूँ यहाँ पर, ये तिली है, इसको भी मैं उसी में डाल देती हूँ, और उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं वो सबको बारी बारी से डाल दूंगी, और फिर अच्छे से मिक्स करना है मुझे। और ऐसे ही हम अपने घरों में जो है इसकी बड़ी बनाते हैं। और यहाँ पर जो लाल भाजी मैंने काट कर रखा है, बस कलर के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, इससे कुछ होगा नहीं, अच्छा लगेगा देखने में। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, नमक, खाने का सोडा और मिर्ची, जो भी अजवाइन चीर जितने हैं वो सबको मिला के मैं ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। लगभग 20 मिनट तक मैंने मिक्स किया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके, इसलिए। और मैंने छत में ना एक छोटा सा खटिया है, उसके ऊपर रख दिया है एक कपड़ा, देखिए बिल्कुल छोटा सा खटिया है ये। बच्चों को हम लोग इसी में सुलाते थे, छोटे छोटे बच्चे थे तो इसी में हम रख देते हैं एक बर्तन बोल रही हूँ कपड़े। और फिर उसके बाद छोटा छोटा लोई बना के मैंने यहाँ पर सुखा देना है मुझे, एक दिन में तो सूखेगा नहीं क्योंकि लोई मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है। और कल के वीडियो में मैं ना इसे भून करके दिखाऊँगी, अभी एक ही दिन में सूखेगा नहीं इसलिए मैं इस वीडियो में इसे भून करके नहीं खाऊंगी। और फिर जितने भी बरी है ना, और खाना बनाने के लिए मैंने उधर रखा है, तो जल्दी जल्दी से देखिए 2 तरह की मैंने बना दिया, एक तरह की टिकिया बना दी है और एक तरह की गोल गोल से लड्डू जैसे बना दिया। अभी इन्हें सूखने के लिए रख देना है, और पता है एक परत में इसके कपड़े से ना मैं ढक करके सुखाऊंगी, क्योंकि इधर हमारे कौवे बहुत हैं, सब एक एक बीन करके ले जाएंगे, तो मैं क्या दिखाऊँगी आप लोगों को। और फिर हम दिखा देते हैं, बहुत मेहनत की हमारे कंटे बड़ी थे, ये देखिए हमारे, तो इन्हें भी हम नहला देते हैं, है ना। और धूप में इन्हें धूप बहुत जल्दी लगती है, इनकी चमड़ी बहुत पतली होती है, तो इन्हें नहलाना बहुत ज़रूरी होता है,
और फिर देखिए हमने बताइए नहला के और फिर छोड़ दिया थे, तो जाके कीचड़ में बैठे, हमारा नहाया धोया सब बेकार हो गया। कितना मेहनत करके हमने इनको नहलाया और फिर अच्छी तरह से साफ किया, जब छोड़ दिया ना तो जाके कीचड़ में बैठ गया। ऐसे ही करते हैं, मतलब ये पता है कि क्या हमारे साथ किए हैं ना, तो अच्छे रंग बगल के धो करके कोई फायदा नहीं होगा। देखिए कितनी मस्ती से मना रहा है, गर्मी धूप लगी हुई थी और मेहनत भी बहुत किए हैं। तो इससे ज़रा घर मेरा वीडियो आपके लिए कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए हमने इन्हें छोड़ दिया, अब ये इधर जाएंगे, जाके कीचड़ में बैठ जाएंगे वापस आए। तो ये देखिए ये है ठाकुर बाबा, इसी को मैंने बोला था। ये ना हमारे गांव के आसपास किसी के घर में भी हो जा करके चला जाता है, चावल वगैरह दे देते हैं तो खा लेता है। आसपास के एरिया में कोई भी इसे बांध कर नहीं रखता है। देखिए चावल यहाँ पर दे दिए हैं ज़मीन में, और ये खा करके ना फिर चला जाएगा। सबके घर में जाता है, एक दो महीने में तो आता ही हमारे घर में। बस आया तो हमने थोड़ा सा क्लिप ले लिया, कैसा लगता है हमारा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पता ही आसपास के गांव में हर घर में जाते रहता, कोई से बांध कर नहीं रखता। यही हमारे गांव का ठाकुर बाबा। धन्यवाद।